डीजीपी भूपेंद्र यादव मंगलवार को अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने अजमेर रेंज आईजी और एसपी के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का जायजा लिया, साथ ही पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को भी एहतियातन बरतने को कहा। आपको बता दें कि अजमेर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, इसके चलते कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। अजमेर आने का एक पर्पज़ मेरा अजमेर और भीलवाड़ा में जो हमारा पुलिस का अरेंजमेंट है उसको रिव्यू करना है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई यदि प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना है, उसका समाधान देना है और अपने जवानों से बात कर थोड़ा उनके हौसला अफजाई करना है। पुलिस के जवानों को समय समय पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अपनी केयर किस तरह करनी है। जो लोग ऐसे एरियाज़ में पोस्टेड हैं या जहाँ काम कर रहे हैं जहाँ उनके रिस्क ज़्यादा है, वहाँ उनको प्रोटेक्टिव गेयर भी दिए गए हैं, मास्क वगैरह पहनने की हिदायत की गई है। जो सामान्य सावधानियाँ हैं अन्य लोगों को बताते हैं वो उनसे भी कहा जाता है, ऑब्जर्व करें उनको, जो हैंड वॉश है, बॉडी वॉश है या कपड़े चेंज करना है अपने, तो यदि सावधानियाँ बरतें तो ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, कारण नहीं है।